हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने गूगल नॉलेज पैनल को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप अपने गूगल नॉलेज पैनल में इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करिएगा। जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे विज़िट ज़रूर करिएगा, जो गूगल नॉलेज पैनल के बारे में है। तो ये ऑफिशियली गूगल ने ही एक ब्लॉग लिख के रखा है कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने गूगल नॉलेज पैनल में, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इस लिंक के थ्रू आप एक बार इस ब्लॉग को ज़रूर रीड करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली गूगल नॉलेज पैनल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी लिंक के लास्ट में आपको एक बटन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट अस, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली गूगल नॉलेज पैनल टीम से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। तो इस लिंक पे विज़िट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल नॉलेज पैनल में आप क्या कुछ कैसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्लेम नहीं किया है तो उसको क्लेम ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरा लेबल का जो नॉलेज पैनल क्रिएट होके रखा है और अभी मुझे इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं मैं फीडबैक दे रहा हूँ इस पैनल में, अभी तक मेरा फीडबैक का मुझे कोई भी जवाब नहीं आया कि जो मेरा फीडबैक है उसे एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। इसी वजह से आपको मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्लेम कर लीजिए। अगर अभी तक आपका गूगल नॉलेज पैनल क्रिएट नहीं हुआ, आप भी ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ 2, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब आप गूगल नॉलेज पैनल को क्लेम कर लेते हैं तो आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, टॉप में तो आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है द PSN ऑन गूगल। और उसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे बॉटम में, पोस्ट, अपडेट ऑन गूगल, सुजेस्ट एंड एडिट और लर्न मोर। तो जो दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, पोस्ट अपडेट ऑन गूगल, ये सिर्फ आर्टिस्ट पैनल में ही देखने को मिलता है फिलहाल के लिए। हो सकता है दूसरे पैनल्स में भी ये देखने को मिले, जो जिनके पास म्यूजिकल आर्टिस्ट का, म्यूजिशियन का, सिंगर का पैनल है उनमें ये देखने को मिलेगा पोस्ट अपडेट ऑन गूगल। इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो कि आर्टिस्ट को ईजिली मिलता है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो कई लोगों के पास सिर्फ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सुजेस्ट एंड एडिट, लर्न मोर। तो आप अभी आप कहेंगे कि मेरे पास ये 2 कैसे ऐसे शो हो रहे हैं पैनल अलग अलग। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस जीमेल से यहाँ पे अभी मैंने लॉगिन करके रखा है, इस जीमेल से मैंने अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्लेम करके रखा है। तो ये मेरी मेन जो जीमेल है उसी का ये शो हो रहा है पोस्ट अपडेट ऑन गूगल। जो दोस्तों ये मेरी सेकंड वाली मेल है, इससे मैंने कभी हो सकता है कोई फीडबैक दिया हो और वो गूगल टीम ने एक्सेप्ट किया हो, तो हो सकता है उसी की वजह से मुझे ये ऑप्शन शो हो रहा है सुजेशन एडिट, मतलब मैं इन फ्यूचर और भी यहाँ पे सुजेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूँ कि आप किसी दूसरे के पैनल में सुजेशन दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ भी आप गलत जो फीडबैक मत देना, हो सकता है आपकी IP बैन हो जाए, इशू क्रिएट हो सकता है। तो कुछ भी गलत मलत ऐसे ही फीडबैक मत देना किसी के भी पैनल में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गूगल नॉलेज पैनल में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आता है नाम पैनल में, तो आप नाम को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आपका विकिपीडिया पेज है और विकिपीडिया पेज में आपका नाम कुछ और है, मान लीजिए आपका जो बर्थ नेम है कुछ डिफरेंट है और आप सेम नेम से ही अपना नॉलेज पैनल चाहते हैं, तो ही आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और उसके बाद बारी आती है हमारे सबटाइटल की, जैसे कि यहाँ पे मेरा आ रहा है इंडियन सिंगर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि आप सबटाइटल आप फीडबैक दे सकते हैं सबटाइटल अगर आप चाहते हैं चेंज करना, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो सबटाइटल होता है वो ऑटोमेटिकली ही ये शो होता है। अब मान के चलिए गूगल पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कई डिफरेंट सोर्सेस पे अलग अलग है, अगर उन सोर्सेज पे आपके बारे में बताया गया है कि आप एक यूट्यूबर हो, सिंगर हो, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है जो हमारा सबटाइटल होता है।
तो पहले मेरा आता था म्यूज़िकल आर्टिस्ट, जो मेरा फर्स्ट टाइम जो पैनल क्रिएट हुआ था, और उसके बाद मेरा चेंज हुआ इंडियन म्यूजिशियन, और अभी मेरा इंडियन सिंगर आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है टाइम के साथ, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इन फ्यूचर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो गूगल सोर्सेज के थ्रू आपका पता चल जाएगा इसको कि हाँ भाई आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक वैलिड सोर्स देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे डिस्क्रिप्शन की। तो यार डिस्क्रिप्शन तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा सर डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, डिस्क्रिप्शन आप ऐड नहीं कर सकते और ना ही आप इसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली ही गूगल फेच करता है जो गूगल पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो डिस्क्रिप्शन आप ऐड नहीं कर सकते, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और जो उसके बाद बारी आती है हमारी वेबसाइट की, तो अगर सेम नाम से जो पैनल नेम है सेम उसी नाम से आपकी वेबसाइट है तो आप फीडबैक दे सकते हैं वेबसाइट का। पैनल क्लेम होने के बाद भी आप दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, लेकिन पहले इशू क्रिएट होता है, वो मोस्टली रिप्लाई ही नहीं करते किसी भी फीडबैक का। तो इसलिए आप अपने पैनल को फर्स्ट क्लेम जरूर करेगा और आप फीडबैक में अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो दे सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है इसे ऐड कर दीजिए। जो फॉर्मेट है फीडबैक देने का उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, आप कैसे फॉर्मेट जो आपको फिल करना है। और उसके बाद बारी आती है जो इन्फॉर्मेशन की, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देखने को मिलता है, जैसे कि बॉर्न, एजुकेशन, मूवीज, पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। आप किसी दूसरे बंदे का पैनल देख सकते हैं जो जो उसने इन्फॉर्मेशन ऐड करके रखी है, आप सेम इन्फॉर्मेशन अपने पैनल में दे सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गूगल के ऊपर होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फीडबैक देते हैं और 100% आपकी जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है वो एक्सेप्ट होगी। अगर आपने पैनल क्लेम करके रखा है तो भी वो रिजेक्ट होगी अगर गूगल को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि हाँ आप फीडबैक दे रहे हैं कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आपके पैनल में ऐड होगी ही, रिजेक्ट भी हो सकती है। वो आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा वो एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है, जिस मेल के ज़रिए आपने फीडबैक दिया है उस मेल के ऊपर। और अगर आपने क्लेम करके रखा है, आपको सेम जो आपने मेल से क्लेम करके रखा है ना उसी मेल पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। और उसके बाद बारी आती है ये आप देख सकते हैं द PSNE ऑन गूगल। दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये पोस्ट अपडेट ऑन गूगल, तो ये इसी का फीचर है। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप ये पोस्ट कैसे डालते हैं गूगल आपके पैनल में, तो दोस्तों ये 7 दिन के लिए ये पोस्ट रहती है अगर आप यहाँ पे पोस्ट डालते हैं। जो दोस्तों अभी के लिए जो आर्टिस्ट लोग हैं ये सिर्फ उन्हीं को देखने को मिलता है ये फीचर, और इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है टॉप क्वेश्चन आंसर की। तो ये मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे ऐड किया जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बारी आती है प्रोफाइल्स की और पीपल आल्सो सर्च फॉर, तो ये भी ऑटोमेटिकली ही ऐड होता है और आप इन प्रोफाइल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो जो लोग आर्टिस्ट पैनल यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फीचर की ही बात कर लेते हैं, पोस्ट अपडेट ऑन गूगल। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कुछ जो पोस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना द PSNE ऑन गूगल जो ऑप्शन है उसमें आपको वो पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट ऑन गूगल में आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्टोरी ऐड कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स ऐड कर सकता हूँ, यूट्यूब की वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई इवेंट है मेरा, अब मान के चलो मेरा इंडियन सिंगर के नाम से है, मतलब मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मैं इवेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर दे सकता हूँ और मैं पोल भी यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये सब फीचर देखने को मिलते हैं आर्टिस्ट पैनल में। तो ये आप खुद यूज़ करके देख लीजिएगा जिनके पास आर्टिस्ट पैनल है आप क्या कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट पैनल में एक बहुत अच्छा फीचर है, ये आप देख सकते हैं मेरी इमेज जो बनी आ रही है, मेरी फीचर्ड इमेज जो मेरे पैनल पे आ रही थी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आ रही थी,
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम मेरी जो फीचर्ड ये वाली इमेज है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट पैनल होता है उसमें ऑप्शन आता है पोस्ट अपडेट ऑन गूगल पे जाने के बाद, ये आप देख सकते हैं पेंसिल का निशान है। तो यहाँ पे मैं खुद अपनी इमेज यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव्ड हो जाती है इजीली। तो यहाँ पे मैं खुद अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, मुझे कोई भी फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके पास दोस्तों ये जो दूसरा फॉर्मेट है ये वाले पैनल का, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनके पास ऐसा फीचर है या फिर वो फीडबैक देते हैं, अपनी इमेज का लिंक देते हैं। तो इमेज का लिंक कैसे देते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकता हूँ और अपने जो मेरे सोशल हैंडल्स हैं उनके मैं लिंक खुद यहाँ पे दे सकता हूँ। और ये देख सकते हैं फेसबुक का, मैं कोई भी यहाँ पे अपना जो जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लिंक दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा तो वो रिव्यू में चला जाएगा। तो अब बात रही कि कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों जब मैंने फर्स्ट टाइम ये लिंक्स दिए थे तो फर्स्ट टाइम मेरा तकरीबन 7 से 8 दिन लग गए थे अप्रूव्ड होने में। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, हो सकता है आपके लिंक्स जो आप देते हैं या फिर आप अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं वो एक दिन में ही अप्रूव्ड हो जाए, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो ये मैसेज मुझे बार बार यार मत किया करो कि सर कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि टाइम मेरे हाथ में नहीं है ना ही आपके हाथ में है, वो जो जो अप्रूव्ड करेगा वो गूगल टीम करेगी, वो कभी भी अप्रूव्ड हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता इसका। तो ये एक फीचर है जो आर्टिस्ट पैनल में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इजीली वो अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं और जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम पोस्ट करते हैं ना उस पे ये भी हमें देखने को मिलता है कि कितने व्यूज़ आए, जैसे ये आप देख सकते हैं ना कितने व्यूज़ आए, 400, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 500, ज़्यादा 500 व्यूज़ आए, ये आप देख सकते हैं। ईजिली आप मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितने आपके जो पोस्ट आप कर रहे हैं, कितने लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और पोस्ट आपके जो गूगल पे है वो देख रहे हैं। तो ये फीचर जो है ये सिर्फ आर्टिस्ट पैनल में ही देखने को मिलता है अभी के लिए, हो सकता है बाद में आपको देखने को मिले आपके पैनल में भी, जो ये पोस्ट अपडेट ऑन गूगल का फीचर है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जिनके पास ये फीचर नहीं आता, वो इमेज को, सबसे पहले तो इमेज की बात कर लेते हैं कि वो इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको क्या करना है, सुजेस्टेड एडिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो पेंसिल का निशान बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन पे पेंसिल का निशान आपको देखने को मिलेगा। अब मान के चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी इमेज चेंज करनी है, तो हर एक जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके लिए हर एक सेम फॉर्मेट ही होगा हर एक चीज़ के लिए, जो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, ऐड करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो हमें पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है अगर हमें इमेज चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है टू रिप्लेस द करंट इमेज प्लीज़ प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ इमेज दैट यू वुड लाइक टू बी यूज इंस्टेड, मतलब आपको यूआरएल देना पड़ेगा इमेज का, और जो आप यूआरएल देंगे वो शुड बी एंड इन, मतलब जो आपका यूआरएल होगा वो जो एंड होगा उसका वो होना चाहिए .jpg या फिर .png, मतलब ये फॉर्मेट चाहिए इमेज का। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे अब मेरी यहाँ पे पहले से एक इमेज है तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ेगा रिप्लेस, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐड, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस लिखा, उसके बाद मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करनी है हमारी इमेज। तो इमेज यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो भी लिंक होगा वो दे दूँगा, ठीक है। मैंने अब ये ऐसे ही टाइप कर दिया, तो उसके बाद मुझे लिंक यहाँ पे दे देना है अपनी इमेज का। सबसे पहले मुझे लिखना है रिप्लेस, उसके बाद क्या रिप्लेस करना है, इमेज करनी है, और उसके बाद मैं लिंक दे दूँगा और उसके बाद मैं सेंड कर दूँगा। तो अगर आपका पैनल अप्रूव्ड हो रखा है तो वो 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी इमेज एक्सेप्ट हुई जो भी, ठीक है। तो आप ऐसे इमेज चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट है, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी डिस्क्रिप्शन के नीचे आती है, ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मेथड सेम है। अब मान के चलो मैं दूसरी साइड आ जाता हूँ, ये वाली साइड। तो अब मान के चलो यहाँ पे
ठीक है, कोई मुझे से गलती हो गई या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, तो यहाँ पे द PSLD सर्विसेज आ रही है। अब मान के चलो यहाँ पे किसी और की ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गई गलती से, तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे पेंसिल के निशान पे टिक करना है, या आप देख सकते हैं चेंज टू, मतलब आप किस में चेंज करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो गलत है, आपको उसको ठीक कर देना है। अब मान के चलो मैं सिर्फ कर देता हूँ द PSLD। और उसके बाद सपोर्टिंग लिंक्स, मतलब यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दे के रखे हैं, आपको तीन लिंक्स देने पड़ेंगे, मतलब आपको सोर्स देना पड़ेगा कि आपकी ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे सोर्स क्या हो सकता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का विकिपीडिया पेज क्रिएट होके रखा है, क्रंच बेस हो गया, आपका लिंक्डइन का जो कंपनी का पेज होता है वो हो गया, फेसबुक का कंपनी का पेज हो गया, ऐसे आप सोर्स लिंक दे सकते हैं। आपको तकरीबन तीन लिंक्स यहाँ पे देने हैं और अपना फीडबैक सेंड कर देना है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन गलती है यहाँ पे कुछ और ऐड होके रखी थी, अगर गूगल टीम को लगेगा कि हाँ ये सोर्स वैलिड है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, और कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका जो फीडबैक है वो एक्सेप्ट होगा। वो गूगल टीम के हाथ में है, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं फिर दोबारा से, जब आपको मैसेज आ जाए कि हाँ हमने इसे रिजेक्ट कर दिया, कुछ सोर्स लिंक चेंज कर दीजिए, वैलिड सोर्स लिंक दीजिए, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब बात रही कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी है लेकिन हमारे पैनल में ही ऐड नहीं है, तो आपको क्या करना है, कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडेड है इसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप किसी पैनल के पैनल में चले जाइए, मेरे ही पैनल में आप आ जाइए। जैसे मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ये मुझे ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड को। उसके बाद मुझे क्या करना है, सुजेशन एडिट पे जाना है और जनरल फीडबैक देना है। तो इसमें मुझे क्या लिखना है, ऐड, यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन ऐड करवाना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ऐड, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा आपको उसका नाम दे देना है यहाँ पे, जैसे मेरा आ गया द PSLD सर्विसेज। और उसके बाद आपको ब्रैकेट में यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। ठीक है, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सच में है भी या फिर आप ऐसे ही ऐड करवाना चाहते हो, ऐसे ही ऐड नहीं होगी, आपको सोर्स देना पड़ेगा वैलिड। तो सोर्स में आपको क्या देना है, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऐड करवाना चाहते हैं तो अगर आपको पता होगा जो गूगल माई बिजनेस का जो लिंक होता है, आप अगर आपका वो क्रिएट होके रखा है तो आप वो दे सकते हैं, या फिर जो गूगल मैप होता है वहाँ पे आपकी अगर कोई लोकेशन है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गूगल मैप का लिंक है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो लिंक दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सेंड कर दो। 24 से 48 घंटे में गूगल टीम आपको रिव्यू करके बता देगी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। इस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं अपने गूगल नॉलेज पैनल में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप पेरेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखो, मेथड हर एक चीज़ ऐड करने का सेम ही है, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम मेथड होता है हर एक चीज़ का, फीडबैक बस सेम ही है, दो बस डिफरेंस है। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो स्टार्टिंग में ऐड लिख दो, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस लिख दो। ठीक है, अब बस ये दो आपको चेंजेस करने हैं। तो फिर से सुजेशन एडिट करो, जनरल फीडबैक में जाओ, अब यहाँ पे मतलब पेरेंट्स ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है, फिर से ऐड लिखो, मतलब आप ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद पेरेंट्स, पेरेंट्स सबसे पहले अपने मदर का फादर का जो भी फुल नेम है वो लिख दो, कोमा पाके अपने फिर से जो मदर है फादर है उनका जो फुल नेम है वो लिख दो बस। यहाँ पे अगर आपके पास कोई दोस्तों वैलिड सोर्स नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप विदाउट सोर्स भी रिक्वेस्ट जो सेंड कर सकते हैं। जो मेरे पेरेंट्स थे, जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनमें मेरे पेरेंट्स का नाम आ रखा था, तो इसलिए मैंने कोई भी सोर्स नहीं दिया, बस मैंने यही फॉर्मेट लिखा था कि ऐड पेरेंट्स, मेरे मदर का नाम और मेरे फादर का नाम, मैंने सेंड कर दिया था, तो मेरे 24 घंटे में अप्रूव्ड हो गया था और मेरे पैनल में शो होने लगा था। तो यही फॉर्मेट आपको हर एक में यूज़ करना है।
आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको एजुकेशन ऐड करनी है तो आपको क्या सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, ऐड, उसके बाद आपको लिखना है एजुकेशन, अपने स्कूल का कॉलेज का नाम लिख दीजिए अगर कोई सोर्स है तो। यहाँ पे एजुकेशन में आप अपने स्कूल का जो गूगल नॉलेज पैनल क्रिएट अगर होके रखा है या फिर जो गूगल मैप का लिंक है आपके स्कूल का वो आप दे सकते हैं सोर्स में, आपका ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा एजुकेशन का। सेम ऐसे ही बॉर्न है तो आपको क्या करना है, ऐड करो, बॉर्न लिखो, अपना बर्थ लिखो, उसके बाद लोकेशन लिखो अपने बर्थ की, फीडबैक दे दो। तो दोस्तों आप सिर्फ फीडबैक ही दे सकते हैं, वो गूगल टीम के हाथों में है, वो एक्सेप्ट करती है रिजेक्ट करती है, हम कोई भी पहले से डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ मुझे ये ऐड ही करना है, वो गूगल टीम के हाथ में आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर दो, वो अगर एक्सेप्ट करती है तो आपका इंस्टेंटली ही गूगल में जो आपका पैनल में आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड करवाना चाहते हो वो हो जाएगी, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसे आप फीडबैक दे सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, आपको कुछ भी ऐड करना है तो मैंने आपको बता दिया, ऐड लिखो, जो भी आपको ऐड करना है वो लिखो और उसके बाद जो उसका जो आंसर होगा जो आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन कहाँ पे, अपना स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, अगर कोई सोर्स है आपके पास तो ब्रैकेट में सोर्स लिख के, ठीक है, उसका लिंक दे दो और फीडबैक सेंड कर दो। अगर गूगल टीम अप्रूव्ड करती है आपका फीडबैक तो इंस्टेंटली आपके गूगल पैनल में आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने गूगल नॉलेज पैनल को एडिट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है जो मैंने आपको नहीं बताई तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई कमेंट कर दो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।